हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एच फॉर हॉरर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल की बात करें तो हम यहाँ पर आप लोगों के लिए लोगों के साथ घटी डरावनी घटनाओं को कहानी के रूप में लाते हैं। आज की कहानी की बात करें तो ये कहानी गीता जी की है, जो उत्तराखंड की रहने वाली हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम गीता है। ये घटना मेरे साथ तब हुई थी जब मैं हर साल की तरह गर्मियों की छुट्टियों में गांव गई हुई थी। मेरे गांव में मेरे चाचा चाची और दादी रहा करते थे। गांव जाकर मुझे बहुत मज़ा आता था। गांव की बात करें तो बड़ा है खूबसूरत गांव है हमारा। चारों तरफ पहाड़, हरे भरे जंगलों से घिरे हुए और सीढ़ीनुमा खेत, खूबसूरत छोटे छोटे गाँव और उनमें बने सुंदर लकड़ी और गोबर से के घर बहुत ही खूबसूरत दिखते थे। और रात की बात करें तो साफ काला आसमान, जिसमें चमकते हुए टिमटिमाते हुए बहुत सितारे दिखाई देते थे, जो कि शहरों में देखना बड़ा ही मुश्किल होता था। इसलिए हम हर साल गांव जाया करते थे। इस साल भी हमारा सेम ही प्लान था। ट्वेल्थ के एग्ज़ाम के बाद हमने भी गांव जाने की तैयारी की और गाँव के लिए निकल गए। दिल्ली से गांव पहुंचने में लगभग 12 घंटे लगते हैं, तो हम शाम के 6 बजे घर पहुंचे। गांव हमेशा की तरह सुंदर और शांत था। शांत इसलिए भी क्योंकि गांव में 7 से 7:30 बजे के तक सब लोग सो जाते हैं। इस बार गांव में हर साल की तरह बहुत सी शादियां और पूजा थी, जिनके लिए गर्मियों में गांव के सभी लोग के परिवार के लोग इकट्ठा होते थे। गाँव में पूजा होती थी। उत्तराखंड में इन पूजाओं को जागर या जागरी कहा जाता है। गांव में आए हुए हमें अभी एक ही वीक हुआ था कि इस दौरान जो भी हमारे घर में आता वो एक रास्ते की बात करते, वो रास्ता जहां पर कुछ ना कुछ अलग हर रोज़ घट रहा था। ये रास्ता हमारे घर से कुछ ही दूरी पर था। ये एक मेन रोड थी जिसके दोनों तरफ हरे भरे पेड़ लगे हुए थे। वो पेड़ इतने घने थे कि दिन में भी वहाँ सूरज की रोशनी का जाना बहुत मुश्किल था और एक बड़ा सा घुमावदार रोड था। ये रोड कुछ 100 मीटर का रहा होगा, लेकिन बहुत ही घना होने की वजह से यहाँ काफ़ी अंधेरा रहा करता था। और रात में तो इस रास्ते में इतना अंधेरा होता था कि आप अपने साथ में खड़े हुए इंसान को भी ठीक से देख नहीं सकते। ऐसे ही कुछ दिन बीते। गाँव में किसी के घर पर पूजा थी। ये पूजा रात को होती है और कभी कभी देर रात तक भी चलती है। इस पूजा में गांव के घरों में से किसी एक को जाना होता है और हमारे घर में मम्मी पापा तो पास के गांव में किसी रिश्तेदार से मिलने गए हुए थे और चाचा जी और दादी इस पूजा में जाना नहीं चाहते थे, इसलिए मेरा और मेरी चाची का जाना डिसाइड हुआ। शाम हुई, हम पूजा के लिए निकले। निकलते समय मौसम बहुत ही ख़राब था, बादल लगे हुए थे और बिजलियां कड़क रही थी। हम जैसे तैसे घर पहुंचे, पूजा शुरू हो चुकी थी। अब पूजा के चलते चलते 9:30-10 बज गए होंगे। रात को मुझे नींद आने लगी। मैंने अपनी चाची से कहा, मुझे नींद आ रही है, मुझे घर जाना है। चाची बोली, रुको मैं भी चलती हूँ। मैंने कहा, नहीं आप यहाँ देखो, मैं चली जाऊँगी। ये कहकर मैं घर के लिए निकल गई। गांव में जानवरों के डर के अलावा कोई डर नहीं है, इसलिए मैं धीरे धीरे आराम से अपने फ़ोन की लाइट जलाते हुए वहां से अपने घर के लिए निकली। अब मैं उसी रास्ते पर पहुंच गई जिस रास्ते के बारे में गांव में आजकल बातें हो रही थी। वहां से हमारा घर कुछ 300 से 400 मीटर दूर होगा। उस रास्ते पर मैंने पहुँचते ही मुझे बहुत ठंड सी महसूस हुई। मैंने सोचा, पूरे दिन सूरज की रोशनी ठीक से इस रास्ते पर नहीं पड़ती, इसलिए शायद ये जगह बहुत ज़्यादा ठंडी है, जैसा कि नॉर्मली पहाड़ों में हुआ करता था। लेकिन अब ठंड थोड़ा बढ़ने लगी। ये रास्ता बहुत लंबा नहीं था, कुछ 100 मीटर ही होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज़ महसूस होने लगी। मैंने मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन अब मुझे अपनी गर्दन के पास किसी की सांसें महसूस हुई। मैं फिर वहाँ को मुड़ी तो वहाँ पर भी कोई नहीं था, लेकिन अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा था, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज़ चलने लगी और घर की तरफ बढ़ने लगी। तभी मेरे पीछे से आवाज़ आई, गीता गीता इधर देख, आ मेरे साथ चल।
अब डर से मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि ये आवाज़ और किसी की नहीं, मेरी मम्मी की थी, जो कि आज सुबह ही हमारे किसी रिश्तेदार से मिलने किसी गांव गई हुई थी। तो ये आवाज़ किसकी थी जो मेरी माँ की तरह बोल रहा था? तो मैं और तेज़ी से चलने लगी और यह आवाज़ मेरा पीछा करने लगी। पहले तो यह आवाज़ बड़े प्यार दुलार से मुझे गीता कहकर बुला रही थी और अपने साथ चलने को बोलती जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे मैं इस बात को सुनना अनसुना कर रही थी, तब तब यह आवाज़ और गुस्से में और शैतानी आवाज़ में बदलती चली जा रही थी। गीता, 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 गीता इधर क्यों नहीं देखती? मेरे साथ क्यों नहीं चल रही हो? चलो मेरे साथ। मैं तेज़ी से चलने लगी और यह आवाज़ भी मेरा पीछा कर रही थी। चलते चलते मैं घर के पास पहुंची और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगी। दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। तभी एक बिजली चमकी और उसकी रोशनी में मैंने देखा कि ये घर हमारा था ही नहीं और ये आवाज़ मुझे अभी भी बुला रही थी। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और ज़ोर से चिल्लाई, नहीं आना मुझे, नहीं आना मुझे तुम्हारे साथ। और जिस पूजा से मैं आई थी उस पूजा के देवता का नाम लेने लगी। थोड़ी देर बाद ये आवाज़ बिल्कुल शांत हो गई। मैं धीरे से पीछे मुड़ी और तभी बिजली कड़की और उसकी रोशनी के साथ मैंने इतना भयानक चेहरा देखा। एक चेहरा जिसकी आँखें सफ़ेद थी और चेहरे के आधा मांस बिल्कुल निकला हुआ, उधड़ा हुआ था। और वो चेहरा मुझे देखकर हंसने लगा। ये चेहरा देखकर और हंसी सुनकर तो मेरे हाथ पैर फूल गए और मैं डर से बेहोश हो गई। लेकिन जब आँख खुली तो देखा कि सुबह हो चली थी और मेरे घर वाले रिश्तेदार मुझे घेरे खड़े थे। तभी मुझे पता चला कि जिस घर के आगे मैं बेहोश हुई थी वो भी हमारे ही किसी जानने वाले का घर था। वो भी रात को जब पूजा से लौटे तो उन्होंने मुझे अपने गेट के बाहर गिरा पड़ा देखा और बुखार होने की वजह से उन्होंने मुझे अपने घर में रख लिया और मेरे घर वालों को फ़ोन कर बता दिया। और अगली सुबह मेरे चाचा चाची मम्मी पापा मुझे लेने आए थे। मम्मी पापा ने पूछा तो मैंने सब बता दिया। उन्होंने कहा, हाँ उस रास्ते पर कुछ तो है जो सभी को डराता रहता है, उसे छल कहें या छलावा या फिर कोई प्रेत आत्मा, ये तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन वो लोगों को इस तरीके से डराता है ये आज हमें पता चला है। वो जो भी था वो तुम्हें इसलिए कुछ नहीं कर पाया क्योंकि हमने हमारे घर के बाहर अपने देवी देवताओं का पूजा करके एक मंत्र डाल रखा है, जिसकी वजह से वो तुम्हारे पास तो आया पर वो तुम्हें कुछ कर नहीं सका। और इसलिए भी क्योंकि तुम उसी टाइम पूजा से लौटी थी। ये सब सुनकर मम्मी पापा मुझे घर ले गए। अब मुझे इन बातों पर पूरा विश्वास होता है और उस दिन का हादसा मैं कभी नहीं भूल पाती। इसलिए मैं अब गाँव में कभी भी अकेले नहीं घूमती, खासकर रात में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की कहानी आपको कैसी लगी कृपया करके बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी आने वाली नई कहानियों का पता आपको सबसे पहले चले और आप हमारी कहानियों का आनंद लेते रहें। थैंक यू।